फाइनली। यहाँ जो है गाड़ी का वेट कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है, गाड़ी अब तक नहीं आई है एंड वेटिंग कर रही हूँ यहाँ बालकनी में बैठ के। मैंने सोचा कुछ अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स ले लूँ और ये मेरे न्यू गॉगल्स भी आप लोग को दिखा दूँ। कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर ज़रूर बताएगा कमेंट में, मुझ पर सूट कर रहे हैं या नहीं। चले अब जल्दी से मैं अपनी पिक्चर्स बना लेती हूँ अच्छी अच्छी सी, क्योंकि फिर जब बंदा घूमने निकलता ना तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और हम अपनी बिल्कुल भी, मैं तो स्पेशली पिक्चर्स भी नहीं ले पाती। तो इस गॉगल्स में कुछ पिक्चर्स तो बनती है ना यार, नया पहना है। अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज है फंडे लाइक संडे, तो आई एम मेकिंग माई संडे व्लॉग। और मैं आज कहाँ जा रही हूँ इतना तैयार होके? तो जी आज हमारा सडनली मूड बना है कराची ट्रिप का, बिकॉज इट्स लॉन्ग टाइम कराची नहीं गए और कराची में शॉपिंग का भी बड़ा मज़ा आता है और आउटिंग का भी, क्योंकि हमारा हैदराबाद है बड़ा छोटा सा, जहाँ पे बस गिनती कुछ जगहें हैं, एक ही मॉल है हमारा जहाँ पे हम चले जाते हैं और कुछ लिमिटेड से ब्रांड्स हैं। तो बस आज हम लोग चलते हैं कराची और अपना फंडे संडे मनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज हमने पूरे दिन कराची में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए और शॉपिंग करी, क्या किया क्या नहीं किया। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर से। फाइनली मेरा एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत ही बुरा था। पहले जो फूड मंगाया उसमें कड़वा जहर नमक था, ठीक है ना? आप कभी भी आएँ यहाँ पे ये टक्सिन वक्सिन का मत ट्राई करिएगा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये टर्किश पैट कसम से ऐसे लग रहा है ब्रेड के अंदर चीज़ डाली हुई है, मतलब टर्किश फूड का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना बहुत ही गंदा था, बहुत ज़्यादा। बस 850 रुपये वसूल करने से तो खा लिया। हो गया भाई, बैक फ्रॉम कराची। बस कल रात काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो व्लॉग शूट नहीं कर सकी और एंड में थक भी गई थी। बस जितना व्लॉग शूट हुआ वो आप लोगों के लिए मैंने कर लिया और अभी आपको पता है दोपहर के 3 बज रहे और अभी हम लोग उठे हैं यहाँ, बिकॉज हम काफ़ी लेट आए थे, 4:30 बज गए थे हमें हैदराबाद पहुँचते रात के, समझ लें कि अजानें हो रही थी, हम उस टाइम पहुँचे हैं हैदराबाद। तो बस उस टाइम फिर सोना करना, सुबह 6 बज ही गए थे। तो उसके बाद अब जाके आप खुली है और कुछ
एक आध ड्रेस भी लिया था वहाँ से, अच्छा मिल गया डिस्काउंट में, सेल लगी हुई थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो खैर अभी उठी हूँ और नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है यहाँ पे, जो है भी हमारा नाश्ता होगा क्योंकि काफ़ी लोगों का तो अभी तक खाना भी हो चुका होगा, हमारा अभी नाश्ता होने वाला है बिकॉज़। और आपको वही शक्ल और मेरी आइज से भी लग रहा होगा क्योंकि आई एम फीलिंग सो टायर्ड नाउ। टायर्ड नहीं मतलब स्लीप, लेट बंदा उठता है तो ऐसी ही हालत हो जाती है उसकी। खैर इट वाज ग्रेट टाइम, वंडरफुल डे, और बहुत अच्छा लगा कराची। हैदराबाद हमारा दरअसल ज़रा छोटा सा है, इतनी जगहें नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, एक ही मॉल है और मतलब दे आर लिमिटेड प्लेसेस हेयर। तो मतलब सब जगह पे हम जा चुके हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमने ना छोड़ी हो, तो फिर बार बार रिपीट करना तो बड़ी मज़ा नहीं आता ना, तो इसलिए बस जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाते तो भी कराची चले जाते हैं। वहाँ काफ़ी सारे प्लेसेस हैं, बहुत आउटिंग है, मॉल्स उनके इतने बड़े बड़े हैं और काफ़ी ब्रांड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो बस फिर हम वहाँ जाना प्रेफर कर लेते हैं। तो आप लोग भी मेरा चैनल देखिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, बिकॉज 2 रुपये कोई आ चुका है, वीडियो को एंड करती हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।